हेलो भाई, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक मेटाफोर्स की मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस दिखाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि मेटाफोर्स कैसे वर्क करता है, मेटाफोर्स क्या चीज़ है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं समझ नहीं आती उनकी या क्या सीन है। तो मैंने कहा कि चलो एक मैं वीडियो बनाता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। जो कि है तो मुश्किल, बट मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया और समझने की ट्राई करना। सिर्फ मेटाफोर्स को जर्नी हद तक नहीं लेना, समझ लो कि ये क्या चीज़ है, आगे क्या आने वाला है, इसमें आपको क्या फ़ायदा दे सकता है, आप इसे कितना पैसे कमा सकते हो। तो मैं तो अभी कहूँ कि अल्लाह के बंदो, आप ये ना सोचिए कि भाई हम ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने मेटाफोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अब नहीं समझ रही क्या हम क्या करें, और उन लोगों के लिए भी है जो सोच रहे कि हम मेटाफोर ज्वाइन करें या ना करें, और उन लोगों के लिए भी है कि जो कहते हैं कि भाई हम फोर्सेज ज्वाइन करें या मेटाफोर ज्वाइन करें। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और मैंने एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बयान किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ आएगी, और जो लोग कहते हैं कि भाई मेटाफोर हमने ज्वाइन करके गलती की, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करता हूँ आपकी न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई मेटाफोर्स क्या चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेटाफोर्स एक फ्रॉड है, कोई कहते हैं इससे पैसे नहीं बनते, लोगों को इसमें पकड़ना है, कोई क्या कहता है, बहुत से लोग बातें करते हैं। ठीक है, ये वो लोग बातें करते हैं जिसको इसके बारे में इल्म नहीं है, जो मतलब इससे पैसे जिसने नहीं बनाए तो वही बातें कर रहे हैं। तो मैं बताऊँगा कि भाई मेटाफोर्स क्या चीज़ है, कम्प्लीट इसके बारे में आप स्टडी कर लो, समझ लो। हाँ, जब आपको समझ आ जाए कि पूरी आप इसकी स्टडी कर लें, तो उसके बाद आप कहना कि भाई ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो फिर आप बाद में डिसाइड करना। ये नहीं कि बस आप इसको इस क्लासिक प्रोग्राम से इसको आप बुरा नहीं कह सकते। अब मैं बताता हूँ, अब पहले थोड़ी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ है, उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊँगा कि मतलब जो बिगिनर लेवल पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो कैसे पैसे कमाएंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को समझे, क्लासिक प्रोग्राम क्या है। ये क्लासिक प्रोग्राम आया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल कितने स्लॉट हैं, टोटल इसमें 12 स्लॉट है, ठीक है। ये क्लासिक प्रोग्राम है। अब मैं डिटेल के बाद में इसकी बात करता हूँ। अभी इस क्लासिक प्रोग्राम से लोगों ने लाखों पैसे बनाए, किसने करोड़ बनाए, बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। सीधी सी बात है, मैंने खुद भी अगर दे सकते हो तकरीबन 3600 इस तरह मैंने डॉलर इससे बनाए। इसके अभी इस क्लासिक प्रोग्राम से लोगों ने इतने पैसे बनाए। लोग यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है। भाई अगर आप इस प्रोग्राम से पैसे नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, हमने कमा लिया अपने में, तो कोई बात नहीं, आप बूस्ट प्रोग्राम के लिए वेट करो, ठीक है। किस इसके लिए, बूस्ट प्रोग्राम। बूस्ट प्रोग्राम में क्या होता है, उसमें भाई कोई ज्वाइनिंग कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपने एक स्लॉट बाय करना है, जो कि कितने का बनेगा, एक स्लॉट $10 का एक स्लॉट होगा, ठीक है। बट इसका 50% डिस्काउंट चलेगा, तो ये हमें मिलेगा $5 का एक स्लॉट मिलेगा, और इससे हमारे कितने पैसे बनेंगे, इससे हमें पैसे मिलेंगे $110 हमें इससे मिलेंगे। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें बूस्ट प्रोग्राम के लिए। इसके बाद देखिए भाई NFT है, ठीक है। अभी उनके लिए हैं जो कहते हैं और रोते हैं कि भाई हमें तो पैसे भी कमाने हैं, हम ज्वाइनिंग भी नहीं कर सकते, हम टीम भी नहीं बना सकते। सीधी सी बात है, जो बंदे अगर इसको सीरियस लेते हैं, अपने जानो मानो के साथ बात नहीं करते और सीधा फोकस यहाँ पे करते हैं, तो उन लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए, ये हकीकत है। अब NFT क्या चीज़ है, NFT रॉयल्टी NFT जो है भाई, ये सिर्फ आपने level 6 तक पहुँचना। जो लोग कहते हैं कि भाई हमसे तो टीम नहीं बनती, ये है हज़ारों बहाने बने, level 6 तक पहुँचने मंथली के बेस पे आपको 10% मिलेगा। इसके साथ साथ level 5 से जो है, level 5 की बात करूँ मैं, level 5 से आपको मिलेगी एक NFT। अगर आप सिर्फ level 5 तक पहुँचे तो एक NFT इससे आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपके एक दफ़ा आपका रिसाइकल हो चुका है तो आपको 2 NFT मिलेगी, और आप इसके बारे में जानते हो कि एक NFT की कितनी कीमत होती है। और ये NFT फॉर एग्जांपल आपको मिले ना, एक NFT आपने इसको बेच दिया $500 का, ठीक है। अब वो आगे जितने बंदे इसको सेल करते जाएंगे, आपको अपने उसमें से कमीशन मिलता रहेगा। तो मतलब
पैसों का फिन कम है, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में बात कर, NFT के बारे में, ये तीन प्रोग्राम मैंने आपको डिफाइंड किए, क्लासिक प्रोग्राम। क्लासिक प्रोग्राम में क्या चीज़ है, इसमें वर्किंग वाले स्लॉट हैं, ठीक है, और नॉन वर्किंग वाले स्लॉट है। इसमें डिटेल के साथ फिर क्लासिक पर बात करते हैं और आते हैं इसके ऊपर। बूस्ट प्रोग्राम का भी मैंने बताया, NFT का भी मैंने बताया भाई। इन तीनों प्रोग्राम से अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं, ठीक है, नहीं बना रहे आप पैसे, तो भाई मज़ीद आप मेटावर्स के लिए तो वेट करें भाई। मेटावर्स क्या चीज़ है, मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड होगी, वर्चुअल। इसमें हमारे शॉप्स होंगे, जैसे अमेजोन पे शॉप होती है, इस तरह हमारे यहाँ पे शॉप्स होंगे। इसके मज़ीद अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम गेम्स भी लोग खेलेंगे, और आप ये जो आपके पास SFC कॉइन है एंड SFCR कॉइन है, ये इनको दे सकते हो। तो भाई मेटावर्स का तो फेसबुक जो न्यू वर्जन है फेसबुक का, उसका क्यों उसने मेटावर्स रखे, तो भाई मेटावर्स को समझे, ठीक है। अब ये चार प्रोग्राम इसके ऊपर थोड़े मतलब जल्दी बता रहा हूँ। इसके बाद भाई स्टेकिंग प्रोग्राम है, पांच प्रोग्राम है। इसके बाद भाई Web 0.3 आ रहा है। तो भाई प्रोग्राम, इतने सारे प्रोग्राम है। स्टेकिंग में क्या होता है, इसमें भाई आप ट्रेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करते हैं लोग, अब बाइनेंस में हो गया, ओके, तो इस तरह भाई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो हम सबसे पहले ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये तो इनके आ रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, क्लासिक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो इसका सिर्फ क्लासिक प्रोग्राम आया हुआ है ना। तो हम क्लासिक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्लासिक प्रोग्राम कैसे वर्क करता है और इससे आपने कैसे पैसे कमाने, ठीक है। तो हम बात करते हैं किस चीज़ की, क्लासिक प्रोग्राम की बात करते हैं, क्लासिक प्रोग्राम की। ये वीडियो अब उनके लिए हैं, यहाँ से जो बंदे अभी न्यू ज्वाइन हुए उनको पता नहीं कि भाई हम क्या करें आगे, क्या करें हम आगे। अगर आपको मज़ीद भी जानना है कि भाई मेटावर्स कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि भाई क्लासिक प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं। भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्लासिक प्रोग्राम की जो लेवल है ना, वो टोटल लेवल इसकी कितने लेवल हैं, 12 लेवल हैं, ठीक है, 12 लेवल हैं, समझ आ गई। इसमें भाई नॉन वर्किंग वाले हैं स्लॉट पहले नंबर पे हैं, नॉन वर्किंग वाला स्लॉट, ठीक है। नॉन वर्किंग क्या चीज़ है इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा है वर्किंग वाला। नॉन वर्किंग का क्या मतलब है कि भाई अगर आपने मतलब पहला स्लॉट जो है, जो कि नॉन वर्किंग वाले को कहते हैं S6 का क्या मतलब है कि इसमें भाई इस तरह फील्ड जो इसके बॉक्सेस होंगे, इस तरह देखो वो 6 बॉक्सेस इसके होंगे, ठीक है। कितने बॉक्सेस होंगे, 6 बॉक्सेस इसके ऐसे होंगे, तो इसको S6 कहते हैं। वर्किंग वाले जो हैं वो हैं भाई हमारे पास S3, ठीक है। उसके कितने बॉक्सेस होंगे, ऐसे 3 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास S6 हो गए, क्योंकि इसके 6 बॉक्स है तो इसको S6 कहते हैं, इसको 3 बॉक्स है तो इसे S3 कहते हैं। ये वर्किंग वाला है, नॉन वर्किंग वाला है। अब वर्किंग क्या मतलब भाई, इसमें हम कैसे काम करेंगे। अब एक बंदा है, उसने ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है, उसने अपलाइन के साथ $5 पर उसने ज्वाइनिंग कर लिए, कितने मतलब उसके रेफर से बना लिए, उसने $5 इन्वेस्ट कर दिए और उसने एक स्लॉट ओपन किया है। कौन सा स्लॉट, S6 वाला एक स्लॉट उसने ओपन कर लिए, ठीक है। कितने डॉलर को उसने बाई किया है, $5 का एक स्लॉट उसने ओपन कर लिया, ये स्लॉट। अब ये स्लॉट भाई देखिए, उसमें ऐसे आपको कुछ दिखेगा बॉक्सेस टाइप, ठीक है। S6 की बात करूँ, मज़ीद इसके नीचे 2 बॉक्सेस और होंगे, ठीक है, समझने की ट्राई करना। ये इसके नीचे और 2 बॉक्सेस होंगे इस तरह, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं कि भाई S6 में कैसे काम करते हैं। अब भाई ये जो पहला स्लॉट आपने $5 का बाई किया, कितने का बाई किया, $5 का आपने बाई किया, इससे आपके जनरेट होंगे $30। कितने डॉलर जनरेट होंगे, $30। $15 आपको मिलेंगे, ठीक है, यू लिखता हूँ मैं, आपको मिलेंगे। एंड $15 आपने जिसको भी ज्वाइन किया है, $15 उसको मिलेंगे या उसकी टीम को मिलेंगे, उसको बोलते हैं अपलाइन, या उसके जो है ना डाउलाइन में जो है या टीम जो भी सब बोलो वहाँ उनको मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब आपने $5 इन्वेस्ट किया, आपको $30 मिले, ऊपर अपलाइन को फायदा दिया और आपने
अपना भी $15 इसी रिसीव कर लिए। अब इनमें बंदे कहाँ से आएंगे, अब मैं बताता हूँ। अब अपने ज्वाइन करते हुए खुद अगर बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल आप खुद भी इसमें ऐड कर सकते हो, बंदे किस ऐड कर सकते हो, उनको अपने रेफरल देने, वो जैसे आएगा इधर इस इधर ज्वाइन होगा, दूसरा आएगा इधर आएगा, तीसरा चौथा, ऐसे यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मज़ीद हम बात करते हैं, एक बंदा है उसने आपके साथ ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है, एक बंदा आ गया उसने, या अपलाइन की तरफ से एक बंदा आ गया, वो बंदा आ गया डायरेक्ट कहाँ पर, इधर आ गए इस स्लॉट में आ गए, इसको बोलते हैं हम एक मिल ले, नाम लिख दिया, ये बंदा आ गया। अब ये जो ये वाली अर्निंग जो है ना, ये वाली अर्निंग और ये वाली अर्निंग, अगर यहाँ पे बंदा जाते ये आपको नहीं मिलती, ये डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, आपको जो अपलाइन है ना, ऊपर अपलाइन पे, ऊपर अपलाइन पर जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। चलो मैं अगेन इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो मैं इसको S6 को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए ये S6 है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं हूँ, मेरा नाम, मतलब ये आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा S6 का पहला स्लॉट है जो कि मैंने $5 का बाई किया हुआ है। अब इसके नीचे से ऐसे दो लाइन निकली होगी, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, ऐसे निकली हुई वो निकली हुई होगी। अब आपने मुझे ज्वाइन किया, ठीक है, आपने मुझे ज्वाइन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी नाम है बी, मैं आपका नाम रखता हूँ, ठीक है, आपने $5 का एक स्लॉट बाय कर लिया है, ठीक है। जैसे आप एक स्लॉट एक्टिव कर लोगे, आपका भी ऐसे एक स्लॉट ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपका भी ऐसे एक स्लॉट ओपन हो जाएगा, आप चेक करना, इसको बोलते हैं S6, ठीक है, आपका S6 ओपन हो जाएगा। S6 कौन सा है, वो नॉन वर्किंग है, इसको याद रखना। नॉन वर्किंग का मतलब ये है, आप इसमें बंदे ज्वाइन करो या नहीं, इसमें बंदे खुद ब खुद आते हैं, या आप ज्वाइन करो तो अच्छी बात है। अब आपने एक बंदा ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने ज्वाइन किया, आपके $5 जो है वो मेरे पास चले जाएंगे, इस स्लॉट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैं उधर मैं बंदे ज्वाइन करूँ, इधर से आपको मेरे मतलब मेरी तरफ से आपको $5 मिलेंगे, ठीक है, ये $5 आपको मिल गए, वो इस स्लॉट में आ गए, बट ये आपको नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट जाएंगे मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इसके दौरान इस बंदे ने एक और बंदा ऐड कर दिया, तो उसके पैसे डायरेक्ट आपकी इस स्लॉट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब आपने एक बंदा ज्वाइन किया, उसके $5 मिल गए, लेकिन वो कहाँ पे चले गए, वो अपलाइन के पास चले गए। फिर आपने एक और बंदा ऐड कर दिया, ठीक है, उसके जो $5 है ना, $5 या आपने ऐड नहीं करते, खुद आ गया, वो भी अपलाइन और अपलाइन की टीम के पास जाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई बंदे मैं ऐड कर रहा हूँ और पैसे उसके पास जा रहे हैं, तो भाई देखे फिर यही जो बंदे हैं ना, अगर वो किसी और को ऐड कर दे, तो उनके पहले दो की अर्निंग किसको आएगी, आपको आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा है ना, ये दो बंदे किसी और को ऐड करते हैं, उसने उन इन लोगों इसने भी दो बंदे ऐड कर दिए, ठीक है, $10 आपको मिल जाएंगे। फिर इसने भी दो बंदे ऐड कर दिए, आपको $10 मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो ये ऐसे भी, तो ये भी तो आपको फ़ायदा दे रहे हैं ना। अब अगर मज़ीद बात करें कि भाई देखो, आप ये बंदे आपको अपलाइन से भी आ सकते हैं, आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों की अर्निंग तो ऊपर चली गई अपलाइन के पास, ठीक है। अब आपने तीसरा बंदा आपके स्लॉट में आ गया, थर्ड बंदा आ गया, वो डायरेक्ट आ जाता है इस स्लॉट में आपके, इसके पैसे डायरेक्ट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको, $5 मिल जाएंगे, समझ रही। अब चौथा बंदा आ गया, फोर्थ बंदा आ गया उसमें, वो फोर्थ बंदा जैसे आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर आपकी आउट ऑफ ग्रेडेशन बंद है, तो इन दोनों की अर्निंग डायरेक्ट दूसरे स्लॉट में चली जाएगी और $10 का स्लॉट आपका ओपन हो जाएगा। आप कहते हो कि नहीं, मुझे काम नहीं करना, ओपन स्लॉट ओपन नहीं करने, तो भाई इसकी भी अर्निंग डायरेक्ट आपको चली जाएगी। कितनी, $5 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कितने डॉलर आपके पास बन गए, $10 आपके पास बन गए। कितने बंदों से, चार बंदों से, दो बंदे तो ऊपर से आए थे या आपने डाले थे। अब अगर आप तीसरा बंदा, मतलब फिफ्थ बंदा ऐड करते हो, उसकी अर्निंग डायरेक्ट भाई आपको मिलेगी। कितने डॉलर आपको मिल गए, $15 मिल गए, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपको $15 मिल जाएंगे। अब भाई जैसे आप करते हो, तीसरा बंदा अगर आपका आता है
सॉरी सिक्स बंदा आता है, छठा बंदा वो आएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा किधर, ये चला जाएगा अपलाइन के पास और आपका जो है ना रीएक्टिवेशन हो जाएगा, आपके रीएक्टिवेशन में चला जाएगा और यहाँ से आपको फिर कितने मिल जाएंगे, 5 SFCR पॉइंट मिल जाएंगे। तो वही आपसे मैंने उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई, अगर नहीं आती तो वीडियो दोबारा देख लो, इंशाल्लाह आप लोगों को मेटाफर की कंप्लीट समझ आ जाएगी। ठीक है, ये तो भाई हमने बात कर ली है किस चीज़ की, एस थ्री की जो नॉन वर्किंग का है, ये बंद जो मैंने बताए हैं आप इसको ऐड करो या ना करो, ये खुद भी इसमें आते हैं, अपलाइन से भी आते हैं एंड डाउनलाइन अपलाइन के अपलाइन से भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई एस थ्री की बात करते हैं। एस थ्री में हमने बोला था कि भाई इस तरह की तीन बॉक्स लाइन होंगे, तीन बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, एक दो एंड थ्री। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये वर्किंग वाला इसमें कभी भी बंदा नहीं आएगा, एक साल तक पढ़ रहा है इसमें बंदा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने इस एस थ्री में एक बंदा ऐड कर दिया, आपने फॉर एग्जांपल आपने ए बंदे को ऐड कर दिया, वो ए बंदा डायरेक्ट इधर आ जाएगा, सही है, ये बंदा आपका फॉर एग्जांपल मैंने मेरे एक ये स्लॉट है 1 2 3 है ना, एस थ्री है ना, ये 1 2 3 मेरे हैं, ठीक है, वो भी एस थ्री का है। ठीक है, एस थ्री का मैंने आपको ऐड किया, आपका नाम है जेड, ठीक है, जेड को मैंने ऐड कर दिया, वो बंदा मेरा आ जाएगा यहाँ पे और मुझे डायरेक्ट उसके $20 मिल जाएंगे। ठीक है, जेड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब जेड आगे किसी और को ऐड करते हैं तो उसको डायरेक्ट $20 मिल जाएंगे। ठीक है, जेड जो जेड बंदा है उसने ए को ऐड कर दिया, जेड दोबारा दूसरा बंदा ऐड करते हैं बी को, वो बी बंदा सीधा इधर आएगा, उसको मिल जाएंगे $20। ठीक है, मतलब उसने स्लॉट कितने का बाई किया था, $20 का बाई किया था, दो बंदे ऐड करने के बाद उसको मिल जाएंगे कितने, $40 उसको मिल जाएंगे आसानी से। लास्ट वाला बंदा जैसे ऐड करेगा वो जाएगा किधर, वो जाएगा इसके अपलाइन के पास एंड इसको मिल जाएंगे उसके जगह पे SFCR। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस तरह, ये तो भाई हमारे सारे पैसे अपलाइन के पास देने, तो भाई इसी तरह जैसे अगर आपका टीम होगा ना, ये बंदा जो है, ये बंदा अगर किसी दो बंदों को ऐड करते, ये दो बंदों को ऐड कर दिए, दो को अर्निंग उनको मिलेगी, जैसे तीसरा बंदा ऐड करेगा उसकी अर्निंग डायरेक्ट आपको मिलेगी। बी भी इसी तरह करेगा, बी अगर दो बंदों को ऐड करते हैं, ठीक है, उसकी अर्निंग बी को मिलेगी $40 और तीसरे बंदे की अर्निंग आपके पास आएगी। तो इसी तरह भाई आप एक ज़बरदस्त सिस्टम बना सकते, अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो लोग बोल रहे हैं कि 50% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द 50% डिस्काउंट, क्या चीज़ है 50% डिस्काउंट और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, मतलब भाई देखिए क्लासिक प्रोग्राम जो है उसका पहला स्लॉट की फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। पहले स्लॉट की फ़ीस है, पहला स्लॉट जो है उसकी फ़ीस है भाई $5। ठीक है, दूसरे स्लॉट की फ़ीस है $10। तीसरे स्लॉट की फ़ीस है $20। ठीक है, अब क्लासिक प्रोग्राम में अगर आपने पहला स्लॉट $5 का बाई कर दिया तो उससे आपको मिल जाएंगे कितने, अभी आपने बाई किए तो ये 50% डिस्काउंट इसका चल रहा है। ठीक है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, आपको कितने मिल जाएंगे भाई, आपको मिल जाएंगे 5 डायरेक्ट, आपको 5 SFC कॉइन मिल जाएंगे अगर आप इसमें करते 50% डिस्काउंट में। अगर आप दूसरा स्लॉट बाई करते हो, ठीक है, आपको 15 SFC कॉइन मिल जाएंगे, कितने, 15 SFC कॉइन। अगर आप तीसरा बाई करते हो तकरीबन 35 SFC कॉइन आपको मिल जाते हैं। तो ये 50% डिस्काउंट का ये फायदे हैं कि एक तो भाई स्लॉट मतलब $10 स्लॉट जो है वो हमें मिल रहे कितने पे, $5 पे मिले और साथ में SFC, बट 50% डिस्काउंट के बाद हमें SFC नहीं मिलेंगे और एक स्लॉट $10 पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, मज़ीद अगर किस चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो न्यू बंदे हैं वो कैसे काम करेंगे, वो जैसे भाई आपको अपलाइन ने ऐड किया इस तरह आपने आप बंदे ऐड करने हैं। ठीक है, आपका नॉन वर्किंग वाला एक स्लॉट ओपन ऐसे होगा, ठीक है, उसमें आपने बंदे ऐड करने हैं। ठीक है, अब इसमें बंदे आपको अपलाइन से भी आ सकते हैं, वो तो आएंगे भाई, लेकिन आप खुद अपने मेहनत करो, एक अच्छी सी टीम बनो। आप अगर तीन बंदे ऐड करते हो, ठीक है, वो तीन बंदों के, वो तीन बंदे आगे किसी दो बंदे को ऐड करते उसके पैसे आपको मिलेंगे। अगर ये पीयून के तीन बंद दो बंदे की जरूरत ऐड करते तो उसको मिलेंगे। तो भाई बस मेहनत करो एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए।